अब जी इस बार वोटों परसेंटेज खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम रहा है, क्या वजह मानते हैं और किसको नुकसान है इसका? देखिए, सत्तारूढ़ दल की नीतियों से जब लोग निराश होते हैं तब वो मतदान करने नहीं आते। हमने बहुत प्रयास किया, जो हमारा मतदाता था वो उत्साहित हुआ, वो आया। और जो सत्तारूढ़ दल का मतदाता था, विशेष तौर पर जो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है, जो 2014 तक हमारे साथ था, 2014 के बाद वो भाजपा के साथ जुड़ा लगाता, तो वो उस वर्ग में बड़ी निराशा। और उसमें और मोदी कहने वाले नौजवानों में निराशा, ये दो वर्ग कम आए। महिलाएं अभी थोड़ी बहुत उम्मीद किए हुए हैं और मैं समझता हूँ अब अपनी रसोई की हालत देख करके वो भी जो है अगले चरण के जो मतदान हो रहे होंगे उनमें महिलाएं भी जो है भाजपा के खिलाफ जाए। तो माना जाए इस बार मुद्दा विहीन चुनाव था। निम्न मध्यम वर्ग ने वोट न दे करके भी भाजपा को दंडित किया। क्या मुद्दा विहीन चुनाव था इस बार? नहीं, मुद्दा था, मुद्दा परिवर्तन था और मुद्दा स्वयं मतदाता था। मतदाता ने एक बहुत बड़े हिस्से में मतदाता के अपने लिए मतदान और बदलाव के, जब उसने अपने विषय में मतदान अपने लिए मतदान किया, उसने देखा मेरी रसोई पर क्या असर पड़ा है, महंगाई का क्या असर है, बेरोजगारी का क्या असर है, जब उसने देखा कि भ्रष्टाचार का क्या असर पड़ा है, जब उसने देखा कि मेरे गाँव की सारी गलियाँ इन्होंने खोद डाली हैं और मैं तो धूल दूषित कर दिया हूँ और बरसात आ रही है, कीचड़ कीचड़ी कीचड़ होगा, तो उसने कहा यार इसका इनका जो नारे हैं, इनका पाखंड हमको बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो ये जो कुंठित विकास था, ये विकास के खिलाफ भी हो रहा है, मुद्दे थे इसमें। सबसे बड़ा मुद्दा था कि मतदाता ने 2014 के बाद जितने मतदान हुए उसमें पहली बार अपने लिए सोच करके वोट डाला, उन्होंने उधर नहीं देखा, किसी को दिखाते थे भाजपा वाले, उसको नहीं देखा अपने। कांग्रेस के नेता लगातार दल बदल कर रहे हैं, अभी अनुपस्थित की साइड है, वो भी भाजपा में शामिल हो गए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप जो थे ही नहीं उनका नाम काहे के लिए पूछते हो, उसको मुझसे काहे के लिए दुश्मनी कराते हो? तो कभी जब गलतियाँ करते हैं हम तो वो गलतियाँ सुधर गई समझे उस लोग के जाने से। राहुल जी, ऐसा सुपोजा ये भी कि अनुकृति के बाद भरत सिंह जी जल्दी जल्दी से जा सकते हैं? नो, कोई इस क्या लगता है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ के नेता जो लगातार दल बदल चल रहा है, क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कुछ? समुद्र की मौज होती है, समुद्र में जब तलछट ज़्यादा हो जाता है तो समुद्र उसको बाहर फेंक देता है, तो ये कांग्रेस भी समुद्र है, इसे तो तलछट बाहर निकल गया तो फिर समुद्र तो और साफ हो गया। तो भाजपा क्या मशीन की तरीके से साफ करने का काम कर रही है? ईडी की कार्रवाई हो रही थी, वो लगातार भाजपा में जा रहे के लगता है वो धुल जाएंगे वहाँ जाकर और बंद हो जाएंगे। जो हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4-5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपा ही भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा वैली पापियों का पाप धोते हुए, तो अब नहीं धुलेंगे। ये आम भाजपाई की व्यथा है, आज के दिन जो आम भाजपाई है वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं है, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है लेकिन चुनाव में इतने एक्टिव नहीं दिखे उत्तराखंड में। नो कॉमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों को आदमी को जो है जेठ मान लेना पड़ता है। कुछ लोगों को अपना जेठ मानता हूँ महिला के रूप में, जो है उनको मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू।